प्रोसीजर ऑफ सेपरेशन यानी पृथक्करण की क्रियाविधि। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन की जो टेक्निक्स होती है या उसकी जो क्रियाविधि होती है वो तीन तरीके से हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो क्रोमेटोग्राफी पढ़ी उसी के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। पहली जो हम प्रोसीजर पढ़ेंगे वो एडसॉर्प्शन यानी अधिशोषण के ऊपर आधारित है, दूसरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर आधारित है, और तीसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयन एक्सचेंज यानी आयन विनिमय के ऊपर आधारित है। तो इस तरीके से कुल तीन प्रकार की क्या होगी प्रोसीजर। अब वन बाय वन तीनों प्रोसीजर को देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी प्रोसीजर ऑफ एडसॉर्प्शन, हेडिंग डाल लीजिए आप अधिशोषण की क्रियाविधि। प्रोसीजर ऑफ एडसॉर्प्शन अधिशोषण की क्रियाविधि। अब हमने अधिशोषण की प्रोसीजर पढ़ी थी एडसॉर्प्शन प्रोसेस। तो एडसॉर्प्शन में क्या हुआ था कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी का मुख्य उद्देश्य, दो मुख्य उद्देश्य, पहला मुख्य उद्देश्य क्या था, सेपरेशन करना, ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड का पृथक्करण करना। और एक और मेन उद्देश्य था इसका आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि उस कंपाउंड यानी उस मिश्रण में से उन अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचानना। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, दो मेन एम, एक तो सेपरेशन है यानी पृथक्करण, और दूसरा क्या है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना। अब हम ये कह रहे हैं कि इस क्रोमेटोग्राफी में जनरली दो अलग अलग पोर्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में मिक्सर होता है उसको क्या करते हैं, दो फेस के बीच में उसको मूव करते हैं। दो फेस की बात हुई थी हमारी, कौन कौन सी दो फेस थी, हमने कहा था कि हमारे पास में एक तो स्टेशनरी फेस थी और एक कौन सी थी, मोबाइल फेस थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रोसीजर ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करेंगे, अधिशोषण की बात करेंगे, तो अधिशोषण में जो स्टेशनरी फेज रहेगी, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर प्रावस्था जो होती है, ठीक है, स्टेशनरी फेज यानी स्थिर प्रावस्था, वो तो हमारी क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाती है। एडसॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। बट जो मोबाइल होगा, ठीक है, यानी कि गतिमान प्रावस्था रहेगी, वो गतिमान प्रावस्था क्या हो सकती है, लिक्विड या फिर गैस होगी, ठीक है, किसके अंदर, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के अंदर ठोस जो रहता है, सॉलिड जो रहता है, वो एब्जॉर्ब होता, ठीक है, उसको क्या कह सकते हम लोग, स्टेशनरी फेज कह सकते हैं। और मोबाइल फेज या चलित प्रावस्था या गतिमान प्रावस्था कौन रहेगा, गैस या द्रव रहता है। अब इसके अंदर होता है एडसॉर्प्शन के अंदर, उसकी तरफ चलते हैं। अब इसको हम एक क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा समझ सकते हैं जिसका नाम है TLC, उसके द्वारा समझेंगे। TLC के द्वारा, TLC का फुल फॉर्म होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और हिंदी में इसको बोलते हैं पतली परत क्रोमेटोग्राफी। इसके द्वारा हम एडसॉर्प्शन को समझ सकते हैं। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि कांच की प्लेट ली जाती है, ग्लास की एक प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर सिलिका जेल की एक लेयर बनाई जाती है। ग्लास की एक प्लेट लेकर उसके ऊपर क्या करते हैं, सिलिका जेल की एक लेयर बनाई जाती है। सिलिका जेल की एक लेयर बनाकर फिर क्या करते हैं, एक जार बनाया जाता है, ठीक है, उस जार के अंदर उस सिलिका जेल वाली जो प्लेट होती है उस प्लेट को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया जाता है, ठीक। अब क्या करते हैं, जब उसको रख देते हैं, हमारे पास में एक प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, हमारे पास ग्लास प्लेट है, ठीक है, जिस पर क्या है, जिस पर सिलिका जेल लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें जिस कंपोनेंट का सेपरेशन करना है, जिसका पृथक्करण करना है, उस कंपोनेंट्स को हम यहां पर रख देते हैं, उस कंपोनेंट को हमने यहां पर रख दिया जिसका हमें सेपरेशन करना है उस मिक्सचर को। अब यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर सॉल्वेंट फिलअप है, ये कौन सी फेज है, इसको बोलते हैं मोबाइल फेज, यानी हिंदी में कहें तो गतिमान प्रावस्था। और ये ग्लास प्लेट और सिलिका जेल क्या हो गई, हमारी स्टेशनरी फेज यानी कि स्थिर प्रावस्था हो गई। अब यहां पर कोई सॉल्वेंट है
और सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होती है, सॉल्वेंट क्या करता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के अंदर, हमेशा वो चलता रहता है। विलायक का काम क्या है, चलने का काम। तो जब विलायक चलेगा तो विलायक क्या होगा, यहां से ऊपर की तरफ विलायक चलना चालू होगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या नाम दे दिया, मोबाइल फिल्म। जब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ चलने के साथ साथ इस कंपोनेंट, इस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करता हुआ जाए। तो हमने कहा कि सपोज एक कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हो गया, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हो गया और तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से यह आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी पतली परत क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम उन कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फिनोमेना हो रही है, यहाँ पर हो रहा है एडसॉर्प्शन यानी अधिशोषण हो रहा है। किसका अधिशोषण हुआ, इस सॉल्वेंट का एडसॉर्प्शन हुआ। किस पर हुआ, सिलिका जेल पर। अब हमें क्या कहा कि इस मिक्सचर के अंदर तीन अलग अलग कंपोनेंट थे जिसको हमने लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया। अब यहां पर क्या होता है, जिसका बाइंडिंग फोर्स यानी जिसकी बंधुता सबसे ज्यादा है, इसकी बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा है, जिसकी बंधुता सबसे ज्यादा है, वो तो यहीं पर रुक जाएगा, तो रोक लिया गया। जिसकी बाइंडिंग फोर्स ज्यादा है, जिसकी बंधुता ज्यादा है, वो क्या हो गया, रुक गया, वो तो आगे नहीं चल पाया। जिसका बाइंडिंग फोर्स सबसे कम है उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, सबसे आगे निकल जाएगा। और जिसका बाइंडिंग फोर्स सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच में है वो इन दोनों के सेंटर में रुक जाएगा। इस तरीके से इस प्लेट को वापस हम निकाल कर और यहाँ से इन कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। इस टेक्निक को कहा जाता है एडसॉर्प्शन प्रोसीजर यानी अधिशोषण की क्रिया। ठीक है, तो अधिशोषण की क्रियाविधि हम इसके आधार पर समझ सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं, यानी पतली परत क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको समझा जा सकता है। कंडीशन क्या है, हमने इसमें कहा है कि जो सॉलिड स्टेट होगी यानी ठोस होगी वो तो क्या होगी, स्थिर प्रावस्था होगी। और यदि हमने कहा ये जो सिलिका जेल ये क्या होगी, स्टेशनरी फेज है, और मोबाइल फेज क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो गया यानी कि लिक्विड हो गया। दूसरी क्रोमेटोग्राफी की तरफ चलते हैं, अगली क्रोमेटोग्राफी हमारे पास है यहां पर, इसको डायग्राम बना लो चाहे तो। दूसरी है प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में कहें वितरण की क्रियाविधि। अब इस वितरण की क्रियाविधि को हम कैसे समझ सकते हैं, उसको समझ के देखते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी को पहले से एक बार पढ़ चुके हैं, फिर हम समझ के देखते हैं। एक बार वितरण क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, तो उसमें नाम से समझ में आ रहा होगा, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना, वितरण हो जाना। तो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। यह वितरण सिद्धांत के ऊपर क्या है, आधारित है। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जो स्टेशनरी फेज होती है यानी स्थिर प्रावस्था होती है वो क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। इससे पहले क्या थी, स्टेशनरी फेज यानी कि जो स्थिर प्रावस्था थी, इससे पहले सॉलिड थी, अब स्टेशनरी फेज क्या हो गई, लिक्विड हो गई। यह अंतर आ गया, स्टेशनरी फेज क्या हो गई, लिक्विड हो गई। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया, एक थी मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। तो एब्सॉर्प्शन में तो सॉलिड थी, यहां पर क्या हो गई, लिक्विड हो गई। आगे देखो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में जब ये लिक्विड हो गई तो बची क्या है, मोबाइल फेज। तो यहां पर मोबाइल फेज जो रहेगा यानी गतिमान प्रावस्था, वो या तो लिक्विड रहेगी या फिर गैस रहेगी, या तो लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। अब ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कोलम डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी द्वारा समझ सकते हैं, हिंदी में कहूं मैं तो वितरण स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के द्वारा समझ सकते हैं। और इसको पहले मैंने आपको समझाया भी था, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, कोलम की बात कर रहे हैं। देखो कोलम की बात करके देखें हम क्या कह रहे हैं, किसके उदाहरण लगा, तो हमने उदाहरण लिया कोलम डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी।
उसके द्वारा समझना। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन, वितरण स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। इसको मैंने पहले पढ़ा दिया था, एक बार समझा देता हूं क्या होता है। वितरण स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में हमने एक कॉलम लिया, कॉलम के द्वारा समझे देखो, हमने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया, ठीक है। ये कॉलम का जो नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो मॉडल होगा, यहां से हमने इसको पैक कर रखा है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सिलिका जेल को फिलअप कर रखा है या सेल्यूलोज को फिलअप कर दिया, ठीक है। या तो हम यहां पे क्या ले ले, सेल्यूलोज, या हम ले लें यहां पर सिलिका जेल, दोनों में से कुछ भी ले सकते। इस कॉलम के अंदर हमने क्या फिलअप कर दिया, सेल्यूलोज या सिलिका जेल को फिलअप कर। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था पहले इस टाइप का, क्लोरोफिल वाला, हरी पत्तियों वाला बताया था मैंने, वो का वही एक्सपेरिमेंट है, कुछ नया नहीं। तो हमने क्या किया, ग्रीन लिप्स ले ली, यानी हरी पत्तियां ले ली, ठीक है। हरी पत्तियां जो है, हम लोगों ने कहा कि ग्रीन लिप्स में चार तरीके के पदार्थ होते हैं, जिसमें से तीन टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तीन टाइप के कंपोनेंट इस प्रोसीजर के द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि हम यहां पर ऊपर से हम लोगों ने यहां पर फिलअप किया सॉल्वेंट, क्या डाला, सॉल्वेंट, हिंदी में कहें तो यहां पर हमने विलायक डाला, और उस विलायक के अंदर हमने ग्रीन लिप्स यानी हरी पत्तियों को मिक्स करके डाल दिया। अब क्या हुआ, जो ग्रीन लिप्स है उनका मोमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। जब नीचे की तरफ चल रहा है तो अभी हमने कहा कि जिसका बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा होगा, मोर द बाइंडिंग फोर्स, जिसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा हो, जिसकी बंधुता सबसे ज्यादा हो, जिसकी बंधन सबसे क्षमता सबसे ज्यादा होगी। सपोज हमने कहा कि हमारे पास में कोई क्लोरोफिल है जिसका बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा है। अब यदि क्लोरोफिल का बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा है तो वो यहीं पर रुक जाएगा, क्लियर है। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई यहां पर क्या होती है, सपोज क्लोरोफिल, तो जिसका बाइंडिंग फोर्स, जिसकी आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा है वो यहां पर रुक गया, तो सबसे पहले हमें कौन मिल गया, उस ग्रीन लिप्स में से हरी पत्तियों में से यहां पर क्लोरोफिल अलग हो गया, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आगे चलते, जब इसका मूवमेंट लगातार बढ़ता जाता है और जिसका बाइंडिंग फोर्स सबसे कम होता है, जिसकी आकर्षण क्षमता सबसे कम होती है, वो सबसे नीचे की तरफ चला जाता है, इसका बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा होता है। यहां पर जो आपको मिलता है उसको कहा जाता है केरोटीन, और ये केरोटीन जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। सबसे जिसकी बाइंडिंग फोर्स सबसे कम वो केरोटीन, उसके बाद में इन दोनों के बीच में जिसकी बाइंडिंग फोर्स इन दोनों के बीच में होती है वो सबसे सेंटर में रुक जाता है, उसको कहा जाता है जिंथोफिल। जो कि येलो कलर का रहता है। इस तरीके से इस कॉलम के अंदर किसका हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि वितरण हो गया। तो हमने उस ग्रीन लिप्स में से हरी पत्तियों में से क्या आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसके अलग अलग पिगमेंट्स को निकाल लिया, ठीक। तो इस क्रोमेटोग्राफी का नाम क्या है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी या वितरण स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस्ड है पूरी द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन, किस किसके बीच में बाइंडिंग फोर्स है, यहां पर कंपोनेंट्स और सॉल्वेंट के बीच, ठीक है। जिंथोफिल एक ये बोल सकते हैं कि पिगमेंट्स है, जो रंजक बोल सकते हैं हिंदी में, जो रंग प्रदान करने का काम करता है। वैसे हम देखते हैं पत्तियां वैसे जनरली कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की, ठीक है। हरे कलर की यदि पत्तियां दिखाई दे रही तो उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा भरपूर है। कभी कभी आप देखते हैं कि पत्तियों का रंग हरे से पीला हो जाता है, तो वहां पर क्लोरोफिल की कमी हो गई और किसकी मात्रा बढ़ गई। कभी कभी पत्तियां इन दोनों कलर की नहीं होती, ऑरेंज कलर की हो जाती है। वो रियर कैसे ऑरेंज हो, ऑरेंज बड़ा रेयर कैसे, जब ऑरेंज कलर की होगी इसका मतलब क्या हो गया कि
इसके अंदर इन दोनों की कमी होगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स का मतलब जो रंग देने वाला, कलर देने वाला। पर हम क्या कर सकते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इन सबको उस पत्ती में से अलग अलग निकाल सकते। तीसरी जो टेक्निक है, आखिरी टेक्निक है आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ आयन एक्सचेंज। प्रोसीजर ऑफ आयन एक्सचेंज हिंदी में कहें आयन विनिमय क्रिया विधि। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है किसके सेपरेशन के काम में आती है, इट्स अ सेपरेशन ऑफ आयंस। हिंदी में लिख सकते हैं कि आयनों के पृथक्करण के काम में आने वाली विधि। ठीक है ना, इट्स अ सेपरेशन ऑफ आयंस, आयनों के पृथक्करण के काम में आने वाली। तो अब जब आयनों के पृथक्करण के काम में आती है तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सेम चार्जेस वाले आयनों के बीच में एक्सचेंज होता है। हिंदी में कहूं तो समान आवेश वाले आयनों के बीच में क्या होगा, विनिमय होगा। एक्सचेंज का मतलब विनिमय, तो सेम चार्ज होना चाहिए, तो समान आवेश वालों के बीच में क्या होगा, विनिमय यानी एक्सचेंज होगा। तो द एक्सचेंज बिटवीन सेम चार्जेस ऑफ आयन, यानी जहां पर आवेश समान होते वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज चालू हो जाएगा। अब एक्सचेंज चालू होगा तो इसमें भी दो फेज होना चाहिए, वही स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेशनरी फेज क्या होगी। तो इसकी स्टेशनरी फेज यानी कि इसकी स्थिर जो प्रावस्था होगी, यहां पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, वो होती है पॉलीमर। लिख लीजिए, कौन सी होती है, पॉलीमर। और पॉलीमर में भी होती है रेजिन। पॉलीमर रेजिन जो होती है वो इसकी स्टेशनरी फेज होती है, और इसकी चलित या गतिवान जो प्रावस्था होगी, यानी हिंदी में कहे तो गतिमान प्रावस्था या चलित प्रावस्था यानी कि मोबाइल फेज, वो या तो अल्कोहल होगा या वाटर होता है। अब हमने यहां पर स्टेशनरी फेज को पॉलीमर क्यों लिया, स्टेशनरी फेज पॉलीमर इसलिए ली गई है क्योंकि ये पॉलीमर न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इस उदासीन या न्यूट्रल होने के कारण इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि धन और ऋण आयन दोनों आसानी से क्या हो जाते हैं, बाइंडेड हो जाते हैं यानी बंध जाते हैं। तो पॉलीमर स्टेशनरी फेज के रूप में नहीं, स्थिर प्रावस्था के रूप में इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी आयन होंगे वो आसानी से बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बंध जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉलीमर रेजिन क्या होता है, न्यूट्रल टेंडेंसी का। रेजिन देखा हम लोगों ने, रेजिन मतलब कि जो गम जैसा, गोंद जैसा, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, बिना आवेश वाला होता है। इसलिए अब यहां पर क्या होता है, तो इसमें वही टेक्निक जो अभी हम पढ़ रहे थे क्या होगा, देखेंगे इसमें भी क्या करते हैं हम लोग कि मोबाइल फेज जो रहती है उसको कॉलम के अंदर क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। जो भी हमने कॉलम बनाया था ना, ऐसा ही कॉलम बनाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, उस कॉलम के अंदर क्या करते हैं, मोबाइल फेस को हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जब मोबाइल फेस को इसके अंदर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, जब मोबाइल फेस यानी गतिमान प्रावस्था चलेगी तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, यहां पर करेगी वो आयनों का एक्सचेंज करेगी। नाम ही उसका क्या है, आयन एक्सचेंज करोगे। अब जब आयनों का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, इसमें कुछ पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो अभी तक हम जो यहाँ पर कुछ सेल्यूलोज वेल्यूलोज जो फिलअप कर रहे थे ना, सिलिका जेल, यहाँ पर किसको फिलअप करना पड़ेगा, इसी रेजिन वेजिन को फिलअप करना पड़ेगा, पॉलीमर को फिलअप करना पड़ेगा। पर उस पॉलीमर या रेजिन का एक नया नाम है यहाँ पर, उसको कहते हैं आयन एक्सचेंज सब्सटेंस। हिंदी बोले तो आयन विनिमयकारी पदार्थ ये लिया जाता, ये अंतर आ गया। क्या लेते हैं,
आयन विनिमयकारी पदार्थ यानी आयन एक्सचेंज सब्सटेंस लिया जाता है। अब आयन विनिमयकारी पदार्थ क्या होगा या क्या करेगा? या तो आयन एक्सचेंज रहेगा वो धन आयन रहेगा या ऋण आयन रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि धन आयन एक्सचेंज क्या होता है, ऋण आयन एक्सचेंज क्या होता है। तो लिख दिए पॉजिटिव आयन एक्सचेंज, लिख लो इसको सच इज पॉजिटिव आयन एक्सचेंज। जैसे कि धन आयन एक्सचेंज कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज हिंदी में लिख लो इसका नाम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इसको बोलते हम लोग पॉजिटिव आयन एक्सचेंजर। आगे लिखना एवं ऋण आयन विनिमय पदार्थ एंड नेगेटिव आयन एक्सचेंज सब्सटेंस डायमिथाइल अमीनो इथाइल, डायमिथाइल अमीनो इथाइल सेल्यूलोज, डाय मिथाइल एक मिनट रुको हमने डाई इथाइल कर देना इसको डाई इथाइल अमीनो इथाइल सेल्यूलोज, इसको शॉर्ट फॉर्म में DEAC कहते हैं इसको, या कुछ ग्रुप में DEAE लिखा होगा। डी मतलब डाय, ई मतलब इथाइल, ए मतलब अमीनो, ई मतलब इथाइल सेल्यूलोज। तो कुल मिलाकर दो प्रकार के पदार्थ काम में लिए जा सकते हैं, जो कि एक तो पॉजिटिव आयन एक्सचेंजर हो सकता है, एक नेगेटिव आयन एक्सचेंजर हो सकता है। हिंदी में कहें तो धन आयन विनिमय पदार्थ और ऋण आयन विनिमय पदार्थ हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, धन आयन विनिमय पदार्थ मतलब पॉजिटिव आयन को बाइंडिंग करके रखेगा, ऋण आयन विनिमय पदार्थ मतलब नेगेटिव आयन को बाइंडिंग करके रखेगा। तो हम कहेंगे यदि यहां पर हमने पॉजिटिव आयन एक्सचेंजर ले रखा और हमने ऐसा कुछ यहां पर सॉल्वेंट फ्लो किया जिसमें पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी है, और हमें सेपरेट किसको करना है, नेगेटिव आयन को करना है, तो हमने यहां क्या लगा दिया पॉजिटिव आयन, तो क्या करेगा पॉजिटिव आयन को तो ये रोक लेगा, किसको जाने देगा नेगेटिव, ठीक है। और यदि हमें पॉजिटिव आयन को सेपरेट करना है तो यहां पर क्या करेंगे नेगेटिव आयन लगा देगा, तो एक दूसरे को रोक के चलेगा। तो हमने यहाँ नेगेटिव आयन लगाए तो पॉजिटिव आयन को रोक लेगा, पॉजिटिव आयन लगाए तो नेगेटिव आयन को रोक लेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है आयन एक्सचेंजर सब्सटेंस, आयनों को रोक कर चलने वाला काम करता है। इसमें क्या कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके प्रोसीजर हम लोग जानते हैं, ये प्रोसीजर क्या काम में आती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के काम में आती है, कठोर जल को मृदु बनाने के काम में इस तकनीक का उपयोग करते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि हार्ड वाटर में क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, होते कि नहीं। अब कौन सी मेथड का यूज करते हैं उसमें, आरओ मेथड का यूज करते हैं, आरओ उतना कौन सा पानी फिर आरओ वाटर पिया, उसमें क्या बोलते हैं आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का फुल फॉर्म क्या है, आर मतलब रिवर्स, ओ मतलब ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण की क्रिया बड़ी हमने कक्षा 12वीं में वहां पर सिर्फ आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, परासरण और परासरण दाब पढ़ा है, तो उसमें अंतर क्या आ गया, सिर्फ उसको रिवर्स कर दिया हमने, एक बार सीधा जाएगा फिर लौट के आएगा, तो उसका नाम क्या आरओ का फुल फॉर्म क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर तो सब पीते हैं, पीते कि नहीं पीते, कौन सा पानी पी रहे आरओ वाटर, पूरा फुल फॉर्म क्या है तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं कि उसमें जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी ने देखा हो किसी के घर में यदि वाटर प्यूरीफायर मशीन हो तो उसमें जो फिल्टर लगे होते हैं उस फिल्टर को यदि आप ब्रेक करके देखोगे जब वो खराब हो जाते हैं ना, उसके बाद देखना उसके अंदर से जियोलाइट्स मतलब रेत जैसे पार्टिकल निकलते रहते हैं, रेत जैसे कण निकलते हैं उसमें, तो जियोलाइट्स होते हैं। वो जियोलाइट क्या करते हैं इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो वो पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है आयन एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है। उसने क्या किया, वो जियोलाइट है उन्होंने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या कर लिया वहीं रोक दिया,
और उस पानी में इसको में से इनको निकाल लिया, बाकी प्योर वाटर को वहां से निकल लिया। इस प्रोसेस को नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, और किसका इस्तेमाल होता है, आयन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल। तो हमारी ये तीन प्रोसीजर है इसकी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ सेपरेशन, एडसॉर्प्शन, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी आयन एक्सचेंज। इसके बाद अगली क्लास हम डिस्कस करते हैं।